गंदी गंदी गाली दे देते हो, एक सेकंड लगाते हो यार, एक सेकंड लगाते हो भाई। मेरे फेसबुक पे 14 लाख लोग है, उसमें कितनी माता बहने हैं, एक सेकंड लगाते हो यार तुम। तुम्हारे घर भी तो माता बहने हैं, सोचते हो क्या तुम एक बार भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग सनी आ रहे हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो घर से ही करेंगे हम, क्योंकि आपको पता ही है बाहर का माहौल कैसा है। और आपका भाई अभी 20 से 22 दिन फाइट करके, पहले 10 दिन घर पे फाइट करी कोरोना से, ठीक नहीं हुआ तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ पे फाइट करी और ठीक होके थोड़ा कमज़ोर होके 10-12 किलो 15 किलो वेट गिरा के घर पहुँच गया है आपके प्यार से, आपकी दुआ से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक के कुछ प्यारे भाइयों के लिए, जो कि धर्मपत्नी शुरुआत करेगी कि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिससे हमें हानि पहुंचती है और बहुत बुरा लगता है। और ऐसा लगता है कि यार मतलब सेवा वगैरह हम क्यों कर रहे हैं, जब इतनी सारी चीज़ें ये उलटपटांग की गलत गलत लिख के भेज देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, जो इनका मन करता है वो लिख देते हैं। तो उससे बंदा क्या टूट जाता है सामने वाला, उसका जो मन करता है ना काम करने का वो कर नहीं पाता। तो सारा का सारा खेल कमेंट का है और आपकी सोच का है। तो दीपिका, जैसे हमने मतलब मैंने 2 पोस्टर शेयर किए थे, आपको बताया भी था मैंने, एक पोस्टर में मेंशन था, आपने देखा होगा फेसबुक पे, उस पर लिखा था कि 800 रुपये हम लेंगे सिक्योरिटी और हम देंगे ऑक्सीमीटर। और हमने उसमें ये भी मेंशन किया था कि ऑक्सीमीटर जिसको देंगे हम, वो जैसे ही ठीक हो जाएगा सामने वाला बंदा, वो ऑक्सीमीटर हमें दे जाएगा और 800 रुपये ले जाएगा। इसमें मेरे को ये बताओ गलत क्या था। अच्छा, दूसरा पोस्टर था, उसमें एक मशीन थी स्टीम, इसे हम भाप लेते हैं, उस पर मैंने मेंशन किया था कि 300 रुपये सिक्योरिटी जमा कराएं मेरे घर पे आके, और या मेरी टीम का जो उसमें नंबर लिखा हुआ उसके पास चले जाएं, या टीम का बंदा चला जाएगा, उसमें आपको 300 की सिक्योरिटी जमा करानी है और मशीन मिल जाएगी। जैसे आप ठीक हो जाओगे 30 दिन में 20 दिन में मशीन दे जाना, पैसे मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ों के अंदर पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक लेवल है, हमारी जो एक मतलब एक ये लगा लो फाइनेंशली कह सकते हो आप, कि अगर फॉर एग्जांपल हम 80,000 का सामान लेकर आए, तो हम 80,000 के सामान में हम कोशिश तो ये करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, इतने अमीर तो है नहीं हम। हमारे पास 20-25 लाख रुपए होते तो हम डोनेट कर देते। अभी हमारी जो हैसियत है, मतलब मेरी जो एक लिमिट है 70 से 80 हज़ार का सामान मंगवाने की, उसके बाद आसपास, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो संख्या लोगों की बहुत ज़्यादा है। अब दीपिका ये बताओ, आपको बहुत बुरा लगा कुछ कमेंट पढ़ के, लोग लिख रहे हैं कि 800 रुपये क्यों ले रहे हो, हमारी जो क्षमता है वो जनता को बताओ कितनी हमारी क्षमता है, हम कितना कर पा रहे हैं और उनको कितना हमें हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ, कुछ 70% लोग बढ़ा रहे हैं हौसला, 30% बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं कि 800 रुपये क्यों ले रहे हो ऑक्सीमीटर। तो इतने सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे, मैं बहुत छोटी हूँ अभी, मुझे इतनी समझ नहीं है, पर मुझे जितना समझ में आया मैं आपको उतना ही बोलूँगी। मैं अपने मन की रखूँगी, आप अपने मन के रखो, जो आपको सही लगता है आप वो बोलो। मैंने जो भी अपनी लाइफ अभी तक जी है, मेरी सोच सिर्फ इतनी कहती है कि अगर सनी ने कोई पोस्टर डाला और लोग आपने लिखा कि सिक्योरिटी मनी देनी है या फिर आप उसको वापस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, आप अपने पैसे वापस ले जाओ। अच्छा ठीक है, लोग लिख रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में, हाँ बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे कि हम ऐसा नहीं सोचते आपके बारे में, लेकिन आप कई बार नोटिस करना फेसबुक वगैरह इन सब में ना, जो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स हमेशा ऊपर आ जाते हैं। पॉजिटिव होती है दुनिया, पता है मुझे पॉजिटिव होती है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हमने सिक्योरिटी मनी, अगर सनी ने सिक्योरिटी मनी रखी, पहली बात तो ये कोई गलत चीज़ है नहीं मेरे अकॉर्डिंगली। आप कहो इसे ये सेवा है या ये सेवा नहीं है, वो आपका आपका जज करने का तरीका है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में प्रॉब्लम इतनी हो चुकी है कि कोई भी अगर अपने घर पर चीज़ लेके जाएगा तो उसको वापस करने का वक्त उसके पास नहीं है, कि वो ये सोचेगा कि अभी वो हर किसी को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। सनी का भाव सिर्फ इतना था कि अगर वो एक चीज़ को लेके उसकी सिक्योरिटी मनी लेते हैं तो उसको वो वापस करने आएगा, तो उसके पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। उन्होंने अपने जो भी उनके मन में आया, हर इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है कि वो एक सेकंड में इतनी प्रॉब्लम में इतना कुछ सोच ले कि हर चीज़ वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अभी 6 दिन हुए मेरे को ठीक हो गया है हॉस्पिटल से अभी। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपने जो भी आपके मन में भाव आया, ज़रूरी नहीं होता है सेवा का भाव हमेशा सही ही जाए।
अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत है तो आपको सिर्फ क्या करना था, सनी को कमेंट सेक्शन में समझाना था, एक इंसान कोविड पॉजिटिव हो के उसकी ऑक्सीजन लेवल इतना गिर गया, आप उस बंदे को इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हो कि वो दोबारा उस दिमाग में चला जाए कि यार मैंने गलत कर दिया, मतलब ऑलरेडी डिस्टर्ब है सामने वाला और आप ऐसे बोल रहे हो। अगर आप अच्छे इंसान हो, हम गलत हैं, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को समझाओ कमेंट सेक्शन में कि बेटा आपसे छोटे हैं तो बेटा, या जो भी, कि भाई तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे कर दे कि दान में दे दे लोगों को, हमारे पास इतने तो नहीं है, हम अरब खरब जो अरब खरबपति है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे पास जो था सिर्फ ये कि किसी की दुआ से मेरा हस्बैंड ठीक हुआ है, तो हम दोनों ने सलाह करी कि हम दुनिया की थोड़ी तो हेल्प कर सकते हैं, इतनी तो हम हैसियत रखते हैं, हम खाली सिक्योरिटी ले रहे हैं और ठीक होने के बाद उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, चाहे वो गलत है आपकी नजर में, वो चाहे वो गलत है कि सिक्योरिटी मनी ज्यादा है, मेरी और मेरी वाइफ की नजर में ये ठीक था तो हमने इसकी शुरुआत करी। अब आपको अगर 30% सबको नहीं लग रहा दीपिका, सिर्फ 30% लोगों को लग रहा है, 30% वाले लोगों को ही बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अपने मन में दूसरे के लिए गलत विचार लाना, भगवान ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी है ना इस दुनिया की, इसके बीच में हम भी हैं, सब जूझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई सेवा के लिए उठता है, कोई तो घर में ही है, अगर कोई सेवा के लिए उठता है, हर बार एक इंसान की सेवा का भाव गलत कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। आप इसमें एक कमेंट ये भी मैंने पढ़ा कि यार 800 रुपए बंदा सिक्योरिटी देगा तो इतने में खरीद लेगा। अब एक बात बताओ, आप हम खरीदने को बोल नहीं रहे, खरीदने को नहीं बोल रहे हैं, उसके पैसे सेव पड़े हैं करने अपनी, हम हर बंदे को, हमारे पास इतनी अरबों की दुनिया है, हम सबको डोनेट नहीं कर सकते, हम फ्री नहीं दे सकते, मैं सिर्फ इतना, वो अपनी तरफ से ये चाह रहे थे कि वो यूज करे और वो वापस करे, उसके मन में रहेगी मुझे वापस करना है, ताकि वो किसी दोबारा किसी की यूज में आ सके। yes, सिर्फ right. उनका मन में ये yes. था। अगर वो मैं 80,000 का सामान लेकर आया, ऑक्सीमीटर लेकर आया और स्टीम लेकर आया, वो मैंने ये लगा लो मैंने पोस्टर में लिख दिया कि दान कर देता हूँ मैं, तो वो कितने लोगों के पास गई, वो चली गया तुम्हारे के 300 लोगों के पास, और हमारा जो एक जो हमने कंसेप्ट तैयार किया उससे हम क्या कर सकते हैं, 30,000 लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सामान हमारा घर पे ही आ रहा दोबारा। चाहे 30 बंदों की मदद हो, मदद एक बंदे की भी होती है, वो मदद एक बंदे की भी होती है, बस मैं इतना कहूंगी अगर उनसे गलती, अगर आपको नहीं अच्छा लगा कि 800 रुपए सिक्योरिटी, आप क्या लिख रहे हो कमेंट में कि पैसा कमाने का तरीका है, इस वक्त में कौन सोच रहा है इस टाइम, बताओ, जो घटिया लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि इस टाइम पे भी काला मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, पैसा इसमें हमने कहाँ से कमाया पहले तो ये बताओ आप, हमने सिक्योरिटी रखी, 20 दिन बाद उनका फोन आया, सर हमारा पेशेंट मतलब हमारे परिवार में मरा भाई ठीक हो गया है, हम आपका ऑक्सीमीटर देने आ रहे हैं, बंदा आया ऑक्सीमीटर दे गया पैसे ले गया, पैसे हमने कहाँ कमाए इसके अंदर, पता है अगर किसी के आप सबके मन में ये चीज भी आ रही होगी कि कोई भाई ऐसे हालात में हो जो अपनी सिक्योरिटी मनी वापस ना लेने आ पाए, या मतलब कि वो बंदा उसके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए वो नहीं आ पाए, उसके पैसे हमारे पास रह जाए 800 रुपए, हम 800 रुपए रख रहे हैं, आपको सिर्फ ये दिख गया, आपको ये नहीं दिखा कि किसी ने एक कदम उठाया, मैं इतना बोलना चाह रही हूँ अगर वो नहीं आएगा तो हम उसका नाम डिटेल हम सब कुछ अपने पास रख रहे हैं, जिस बंदे को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी चीज़ भी तो रखेंगे, तो हम उस बंदे को खुद पैसे वापस करेंगे, कैसी पोस्टर पे आपने ढंग से पढ़ा नहीं, कुछ लोग ना जल्दी में क्या कर रहे हैं, वो पोस्टर में 5-6 लाइनें लिखी हुई है, एक लाइन पढ़ के लिख रहे हैं, अरे भाई पूरा कोई कदम बढ़ाने लगता तो उसे खींच लेते हो पीछे, पूरा तो पढ़ो पोस्टर में क्या लिखा, पूरा इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 800 रुपए सिक्योरिटी दीजिए, ऑक्सीमीटर ले जाइए, और कुछ लोग लिख रहे हैं 200 रुपए का ऑक्सीमीटर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आप कह रहे हो कि ऑक्सीमीटर इतने का ही आता है, मतलब जितने का आप वो मांग रहे हो कि मतलब सिक्योरिटी मनी हम जितनी मांग रहे हैं उतने का आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ऑक्सीमीटर लिया है सबसे अपनी तरफ से, हमें नहीं पता कि ये बेस्ट क्वालिटी है या नहीं, लेकिन हमने अपनी संतुष्टि करके ये बेस्ट क्वालिटी भैया से मांगी है, हमने केमिस्ट से लिया है और हमने बेस्ट क्वालिटी मांगी है, सी आप देख सकते हो उसको, हमने अपनी तरफ से अपनी 100% जैसे जो हमने अपने मैंने अपने हस्बैंड के लिए सनी को बोला था वैसे हमने खरीदा अपने लिए, वैसे ही सनी हमने बेस्ट क्वालिटी जो है हमने बाय करी, ताकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन, इसका इतना बड़ा रोल है ना कि आपको बता नहीं सकते कि इसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, ये गलत कितनी बार इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी जो हमने के पास जो सस्ते हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास पहले एक ऑक्सीमीटर पापा लेकर आए थे, वो 380 के आसपास का पापा को मिला था, गलत गाइड कर रहा था, मतलब एक
चीज गलत गाइड कर दे बंदे को, परिवार को टेंशन हो जाती है, फटाफट से बंदा हॉस्पिटल भागने की तैयारी में हो जाता है। इसलिए बेस्ट ऑक्सीमीटर खरीदा है 900 रुपीज का। अब ये बताओ दोस्तों, 800 रुपये सिक्योरिटी हम रख के एक बंदे को ये दे रहे हैं, वो बंदा महीने बाद ठीक हो जाता है, अपने पैसे ले जाता है, उसके पैसे के पैसे सेव हो गए, उसको अच्छी चीज़ मिल गई, बढ़िया क्वालिटी मिल गई। हम अब सस्ती चीज़ लेकर उसको दे दें, उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया कि सर ये काम नहीं कर रहा। बात ये है ही नहीं यार, बताओ। सस्ती चीज़ वाली बात नहीं है, मैं आपकी इंटेंशन समझ रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी अपनी हूँ, जो आपके अपने हैं वो तो आपकी इंटेंशन को समझ गए, लेकिन जो आप ये नेगेटिव कॉमेंट कर रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, इनमें क्या कमाएगा कोई? हमारे पास क्या, ये हमने ट्रक ट्रक भर रखे हैं कि हम सनी कमाएंगे इस चीज़ से, और इस टाइम तो सारी दुनिया वाहेगुरु से डर रही है। भाई ऐसी सोच कैसे रखते हो, किसी ने कदम उठाया आपने उसका कदम पीछे का कितना आपको धक्का मार के पीछे फेंक दिया इंसान को, कि वो मैं तो अभी बच्ची हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी। 6 दिन हुए नहीं किसी को कोविड पॉजिटिव, इतना बीमार बंदा घर आ रहा है, उसने सेवा के लिए सोचा, आपने पीछे के लिए, कौन कमाएगा इस टाइम पे? आप सोच सकते हो, हमने सारी जिंदगी वीडियोस डालनी है, हम आपके सामने रहना है, कैसे कोई सोच सकता है ऐसा घटिया काम की किसी है सिक्योरिटी मैंने, जिनके पास नहीं है ना इतनी, हमारा भी वक्त बुरा हमारे पे भी आया है, इतनी हम सोच रखते हैं कि हम उसका नाम और उसका एड्रेस लेके अगर कोई घर से नहीं आ पाता उसकी सिक्योरिटी मनी वापस जाएगी और ये वापस उसके घर से ले लिया जाएगा अगर सब ठीक होता है, ताकि ये दोबारा किसी के यूज़ में आ सके। इसकी कितनी किल्लत रही है सारी दुनिया जानती है कि मिल नहीं रहा था ये ऑक्सीमीटर, हम शॉप्स पे जा रहे थे ऑक्सीमीटर ग्लव्स नहीं मिल रहे, तो ऑक्सीमीटर कहाँ से मिलेगा, ग्लव्स के लिए मना कर दिया, मैं केमिस्ट पे गई मेरे को कहते ग्लव्स नहीं है, और है तो ऐसे ऐसे 20 रुपये का ले लो, ऐसे ले लो, अरे ऐसे मत करो यार, प्लीज़ ऐसे मत करो कि सामने वाला इंसान टूट जाए, किसी ने कदम उठाया तो प्लीज़ उसको, अगर आपको कुछ गलत लगता है कि भाई तूने 800 रुपये सिक्योरिटी ज़्यादा रखी है, या अपनी तरफ से उनके जो मन में आए ना कि हाँ कोई वापस करने आ जाएगा ताकि ये दूसरे के यूज में आ जाए, उनकी सोच बस ये थी, दोबारा रिपीट करो दीपिका, कि उनका मतलब ये था कि अगर 900 रुपये की चीज़ लेके उन्होंने 800 रुपये की सिक्योरिटी रखी है ना, तो उनका सिर्फ एक थॉट और मेन मोटिव यही था कि वो चाह रहे थे कि कोई बंदा अगर लेके जाता तो उसके मन में ये रहे कि मैंने ये चीज़ वापस करनी है। बहुत लोग रख के या फिर घर में भूल जाते हैं क्योंकि उसने पैसा इतना दे दिया कि वो सोचता है कि चल मैंने पैसे तो दे ही दिया वापस क्या करना, लेकिन इसकी लेकिन हमारा विचार क्या है, हमने जो सोचा हस्बैंड वाइफ ने कि हमने सामान कम खरीदा और हम चाह रहे हैं एक इसी सामान से कई हजारों लोगों की मदद करते हैं। अब आप सोचो इसकी इतनी बुरी हाल हो जाए, ये मार्केट में मिले ना, तो हमारे पास जो है अगर हम किसी सिक्योरिटी मनी लेकर अगर नई सिक्योरिटी मनी लेते हैं, ये कुछ चुनिंदा लोगों के घर में तो पहुंच जाएगा, जिनको जरूरत है उनका क्या करेंगे फिर, जो घर में बैठे अपना ऑक्सीमीटर नहीं जिनको मिल रहा है वो क्या करेंगे बताओ। तो हमारी सिर्फ सनी की सोच सिर्फ यही थी उस टाइम पे, गुड़िया मैंने पोस्ट करा, मुझे तो पता भी नहीं था, पोस्ट करने के बाद जब मैंने कॉमेंट्स पढ़े तब मेरे दिमाग में आया कि भाई कैसे कॉमेंट्स कर देते हैं लोग, कि यार ठीक है आप अच्छे इंसान हो, हम बुरे हैं ना, तो आप कम से कम अपने भाई को समझा दो कि भाई तू 800 ज़्यादा रख रहा है। जिन लोग पहले ही हम सनी ने ये सोच रखा था, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, हम उनका नाम बता रख लेंगे, उनको बोलेंगे अगर 1-1.5 महीने बाद कॉल कर लेंगे भैया आपका काम हो गया तो प्लीज़ आप उसे वापस कर दो ताकि दूसरे के यूज़ में आ जाए। हमने घर में रख के क्या करने हैं, या हमने अगर आप लोग सबकी सारी दुनिया की मदद करो तो हमें भी मौका दो किसी की मदद करने का, या हमारा हौसला बढ़ाओ। अभी हमने स्टीम मार्केट में लेकर आए हैं सेवा के लिए, ऑक्सीमीटर लेकर आए हैं, हमारा अगला विचार महीने बाद जो ऑक्सीजन मशीन है उसको 2-3 मशीन परचेज करके आस पड़ोस में जिसको जरूरत है उसके घर देंगे। तो दोस्तों हौसला बढ़ाओ ना, जिससे मैं डबल ट्रिपल काम कर सकूं। 1 रुपए आप लोगों ने हमने हेमंत के मामा के लिए दान मांगा, आपने 1 रुपए का भी दान दिया, वो 1 रुपए का दान कितना पुण्य लगा सकता है आप सोच नहीं सकते। तो हमारी नजर में हमें पता है हर इंसान को क्लेरिफिकेशन नहीं देनी होती, लेकिन आप सबकी सोच, जो 30% लोग हैं सिर्फ उनके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई मेरा हस्बैंड अभी उठा है, बहुत ही प्रॉब्लम से उठा है, उसको प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि आप कुछ लोग वीडियोस क्यों डल रही हैं, तुम्हारे घर में तो सब बीमार है भाई, ये तो अपनी माँ का भी सगन, ऐसे क्यों बोलते हो, कौन है अपनी माँ का सगन? तो कर रहे हैं छोटे भाई, मेरे को पता है 30-40 कमेंट पर्सनल पे ये आए हैं, सन्नी भाई हम मेरे परिवार में मेरे पापा हालत नाजुक थी, हॉस्पिटल में तेरी वीडियो देख के ठीक हो गए। सनी भाई मेरी बताओ इस दुनिया में कौन इंसान है जो अपनी माँ का सगा नहीं है? आप किसी को 2 मिनट में जज कर दिया आपने कि माँ का सगा नहीं है या ये नहीं है, उसके चलो उस पे तो बीमार आदमी पे जो बीतनी है वो बीतनी है, उसका परिवार तो बिल्कुल टूट जाता है कि इंसान कैसे लिख रहे हैं।
प्लीज जज मत करो। नहीं नहीं दीपिका, एक बंदा तो लिखता नेगेटिव कमेंट कि यार ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 99% अच्छे करते हैं, लेकिन एक की सोच बदलना हमारा काम है। 90% लोग ये लिखते हैं सन्नी भाई वेट कर रहे हैं, जल्दी घर पे आओ ठीक होकर वीडियो बनाओ। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये सब ऐसे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अगर 1% भाई नेगेटिविटी खत्म करो, भगवान ये बीमारी हटाएगा। मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलो, खुद भी कदम उठाओ और दूसरा उठा रहा है। अगर गलती हो गई ना सनी से तो उसको माफ करके, उसको माफ नहीं करना पहली बात तो, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, अगर किया है तो माफ नहीं करना, समझाना है सबसे पहले कि भाई इतनी मत रख, इतनी रख, अगले को भी अच्छा लगेगा, मेरे को समझाने वाला मेरा बड़ा भाई है, मेरी गंदी गंदी गाली दे देते हो, एक सेकंड लगाते हो यार, एक सेकंड लगाते हो भाई। मेरे फेसबुक पे 14 लाख लोग है, उसमें कितनी माता बहने, एक सेकंड लगाते हो यार तुम, तुम्हारे घर भी तो माता बहने, सोचते हो क्या तुम एक बार भी? मेरा फैमिली कंटेंट होता है आज तक, देख लो 2 साल होने वाले हैं, मैंने कभी भी कोई गंदी वीडियो नहीं बनाई। जिससे कि वाइफ पे कमेंट कर देते हो इतने बड़े बड़े, कुछ सोचते हो कि तो अपनी वाइफ से पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारी फैमिली हम पे क्या क्वेश्चंस करती होगी आपको पता है? हमारा काम ही जो है, आप कोई मजदूर होता तो उसको क्या बाहर गली में खड़े होकर गाली देते हो कि तू मजदूरी कर रहा है, तू अपनी बीवी से मजदूरी करवा रहा है, उसको गाली देते हो? उसका सम्मान करते ना, आपका घर खड़ा कर रहा है, सब कुछ खड़ा, हम अपने आपके फेस पे स्माइल ला रहे हैं, आप इस ये कैसे बोल देते हो कि अपनी बीवी से कमवा रहा है? उसके दिल पे क्या बीतती होगी? वो तो अगला मुझे कहे, अगर वो मैं उठ रही हूँ, अब मेरे को 10 लोग मिलते हैं रास्ते में कि मैम मैं आपको देखता हूँ, आप फोटो करा लो, एक बार बताओ, वो करने वाला तो मेरा पति है ना, अगर वो मुझे नहीं लाता तो इतने लोग मुझे कैसे बोलते कि फोटो करा लो? सेवा जो मैं कर रहा हूँ ये अभी थोड़ी है कि यार मैं कोविड के बाद आ गया हूँ तो मैंने अभी स्टार्ट करी है। आपने मेरा हेल्पिंग सनी आ रहा चैनल नहीं देखा, यूट्यूब पे मेरा चैनल नहीं देखा तो देखना आप, मैं अभी से नहीं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ और यही सोचता हूँ कि हर एक बंदे की अच्छे से मदद हो सके। और आपने एक सेकंड में लगाया कमेंट गंदे गंदे, गाली 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 गाली, अरे मेरे भाई अगली बार लिखोगे ना गाली, मैं लव यू लिखूंगा आपको, अगली बार माँ की गाली दोगे तब भी मैं लव यू लिखूंगा आपको। गलत ये नहीं, बहुत दुनिया गलत, इनको धन्यवाद। बस थोड़ा वक्त होता है, इंसान सोचा करो कि कोई अभी इतने प्रॉब्लम में उठा है तो ऐसे कमेंट मत करो। और आप सबके प्यार से ना मेरी माता जी ठीक हो गई है, आप सबके प्यार से मेरी माता जी ठीक हो गई है। और जब मैं अपनी मॉम से मिलकर आया ना, वो व्लॉग भी आने वाला जल्दी, हो सकता है ये हाँ इसकी इस वीडियो के बाद डलेगा। मेरी माँ से मेरी बात हुई कि बेटा मैं ओके रिपोर्ट हूँ, पूरी फिट हूँ, और अभी ना तो फटाफट से काम कर, लोग तेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे, फटाफट से लोगों को हंसाना चालू कर, ये मेरी माँ के शब्द है। अगर वीडियोस नहीं आएंगी, आप लोग देखोगे नहीं तो आप लोग हमें दुआ कहाँ से दोगे बताओ? आप हंसते हो, मेरे को तो ऐसे ऐसे कमेंट आते, सन्नी भाई हॉस्पिटल मेरे नाना जी थे, वीडियो देख के हंस रहे थे, मेरी बहन वीडियो देख के हंस रही थी, मेरा दोस्त है उसकी बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है लेकिन वो मेरी वीडियो देख के हंसती है, कितना अच्छा लगता है मेरे को फोन करता है। हमारी भी इंसल्ट होती है भाई, हम भी अपने मन में सोच सकते हैं भाई नहीं करना, लेकिन हमारा काम है, मजदूर का काम है घर बनाना, हमारा काम है आपको हंसाना, इसमें ऐसे मत करो कि अपनी बीवी। अभी जो हमारी क्षमता है ना, हम जहाँ रहते हैं, अभी जो हमारी क्षमता है दिल्ली का उत्तम नगर इलाका है, वहाँ पे मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने हमें और दिया ना, हम इस इलाके को और बड़ा कर देंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं, दिल्ली में पूरी दिल्ली में मदद करेंगे, लेकिन तुम हौसला बढ़ाओ ना तभी तो मदद करेंगे। अभी तुमने शुरुआत मैंने आज करी, तुमने गिरा दिया एक सेकंड के अंदर, सन्नी भाई 800 सिक्योरिटी क्यों ले रहा है? अरे मेरे भाई ये जो ऑक्सीमीटर है आपको पता, अभी किल्लत चल रही थी पूरी दिल्ली के अंदर, और मैं क्या चाह रहा हूँ, बंदा सिक्योरिटी देके जाएगा, यूज करेगा, फिर घर पे मेरा ऑक्सीमीटर दोबारा आएगा, फिर किसी और के काम आएगा, फिर किसी और के काम आएगा, फिर किसी और के काम आएगा, कितने हजारों लोग यूज कर लेंगे, और मैं 70-80 हजार का माल लाऊं और अभी लिख दूं कि फ्री सेवा, आज में सारा निकल गया, और बाकी लोग ये तो 200 लोगों की मदद हुई, और मेरा विचार क्या 3000 लोगों की मदद करना, सोचा करो ना मेरे भाई यार। और मैं क्या चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी क्यों रखी मैंने कि बंदा आएगा अपने पैसे भी ले जाएगा और सामान भी दे जाएगा। और मैं एक सेकंड बोलिए, आप कह रहे हो ना दीपिका, अगर मैं चलो आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैंने सिक्योरिटी अगर 200 रुपए रख दूं, मैं आपको लगता है बंदा घर पे आएगा ऑक्सीमीटर देने के लिए? आएंगे, बहुत दुनिया है बाबू, आएंगे, 100 में से 80% लोग आएंगे, 20% नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? और मेरा विचार था 3000 लोगों की सेवा करना, निकल गया ना सारे ऑक्सीमीटर, हमारे पास इतना नहीं है ना कि हम 20% का वेट करें, तो मेरे पास इतना नहीं है कि हम 20% का भी वो कर सके। मेरे भाई गंदी गंदी गालियां मत दो, पहले सोचो समझो कि मैं सेवा की शुरुआत कैसे कर रहा हूँ, कि मेरा मकसद क्या है। गंदी गंदी गाली देते हो, माँ बहन की गाली देते हो, तुम्हारे घर भी माँ बहने हैं, और मेरा सारा फैमिली कंटेंट रहता है सारा का सारा। माँ बहनों ने क्या किया भाई, हमारी गाली को देते हो आप, हमने क्या किया है? आपस में आप लोगों की बात है, अगर मेल मेल से लड़ाई कर रहे हैं, माँ बहन को क्यों बीच में लाते हो? हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, दिल से गाली दोगे ना अगली बार भी, मैं धन्यवाद ही करूंगा यार।
बहुत, मतलब ये लगा लो आपके आपकी नीचे गाली होगी ना, मैं लिखूंगा लव यू मेरे भाई। और भाई बताओ, समझा लो, मैं इतना ही कहूंगी किसी का दिल मत तोड़ो, उसको समझा, उससे गलती हो रही है ना भाई, इंसान तो ये छोटी सी चल गलती भी होगी ना, तो ये लिखते सन्नी भाई 600 कर दे, 500 कर दे, अच्छा लगेगा। मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा मैसेज पे, रिप्लाई करूंगा कि छोटे भाई मैंने ये 800 रुपए इसलिए करे हैं, इसका मतलब ये है, फिर भी वो गलत होंगे, फिर समझाना, लेकिन ऐसे मत करो। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मौज काटे परिवार के साथ। अभी ये लॉकडाउन में समय मिला है कि परिवार के साथ तुम एक दूसरे को समझ सकते हो, मियां बीवी दूसरे को समझ सकते हो, टाइम दे सकते हो, और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो भाई का चैनल तहलका प्रैंक, तहलका व्लॉग्स, हेल्पिंग सनी आ रहा, और तहलका वीडियोज, और तहलका ब्रदर्स, और खुश रहो, और सब हंसते रहो, और पॉजिटिविटी फैलाओ, बस नेगेटिव मत करो, ऐसे हमारा परिवार भी हमें वापस खींच लेगा कि तुमने तो अच्छा भाव करने की सोची लेकिन दुनिया तुम्हें गलत सोच रही है, तो तुम घर ही रहो, फिर हम क्या करेंगे, माँ बाप की तो मानेंगे ना, इसलिए प्लीज पॉजिटिविटी फैलाओ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू, जय माता।